हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट विद दैनल एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द पार्ट फोर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम सी क्यूज तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी तीन पार्ट्स अपलोड कर लिए हैं और अगर वो अब आपने अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो को पहले चेक करें बिकॉज उसी से रिलेटेड एम सी क्यूज आगे हम पढ़ेंगे आज और इससे भी काफ़ी सारे आपके एम सी क्यूज रिवाइज होने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है अभी ताकि अगले बार जब वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाएगा चलो शुरू करते हैं आज का सेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यू विद कंसेप्ट क्लैरिटी चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग प्री एक्विजीशन डिविडेंट इज रिटर्न एस तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में जो शेयर्स का वराइटी है उसमें जब हम डिविडेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो डिविडेंट दो तरीके से कैलकुलेट होता है नंबर वन इज प्री एक्विजिशन डिविडेंट जो हमने परचेस किया है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और जो हमारा नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर डिविडेंट होगा जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उस पर भी डिविडेंट कैलकुलेट होता है और परचेस पे भी डिविडेंट कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे पूछा है प्री एक्विजिशन के बारे में प्री एक्विजिशन मतलब परचेस वाला डिविडेंट जो हम परचेस करेंगे शेयर्स को तो वो कौन से कॉलम में लिखा जाता है कॉस्ट कॉलम पेस्ट वैल्यू कॉलम डिविडेंड कॉलम या ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो याद रखना जो भी डिविडेंट है हमारा वो हम लिखते हैं कॉस्ट कॉलम में और जो हमारे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो हम लिखेंगे हमारे डिविडेंड कॉलम में क्वेश्चन नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें से एस वन के बारे में यहां पे पूछा गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन्स ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज या ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या कहना चाहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन सेज दैट ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्कलोज शुड बी फॉलोड बेसिकली सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ये कहता है कि आपको सारे के सारे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको फॉलो करना पड़ेगा जो सिग्नीफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रेसिपीज फॉर्मूले मॉडल्स एंड डिजाइन एस करंट इन या इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी आपकी रेसिपीज होंगे फॉर्मूले होंगे मॉडल्स होंगे उसको हम हमारे फाइनल अकाउंट्स में कहाँ प्रेजेंट करते हैं दैट विल बी प्रेजेंटेड अंडर दी हेड इनटेंजिबल अट्स सो दैट इज कॉल्ड एज इन टिबल पॉइंट नंबर देखते हैं अ कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ तो कंपनी का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितने मंथ्स का होता है ट्वेल्व थ्री मंथ्स या वन मंथ तो सिंपल कैलकुलेशन है इसका जो कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो होता है ट्वेल्व मंथ्स का तो इट इज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स पीरियड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ द असेट इज डेप्रीसिएटेड अगर असेट्स की वैल्यू डेप्रीसिएट होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज डेबिटेड नो चेंज इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड देखो ऐसे केस में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपकी जो जर्ल एंट्री का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अनलेस एंड अंटिल यूर जरल एंट्री बेस एंड द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रॉन्ग यू नॉट अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो इसीलिए चैप्टर के बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना तो मैं उसी तरीके से ट्राई कर रहा हूं कि आपके सारे कंसेप्ट एक एक करके रिवाइज हो जाए अगर हम कैपिटल रिडक्शन का चैप्टर देखेंगे दैट इज द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उसमें एक सिंपल फंडा या सिंपल रूल आप याद रखो जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है जिसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं वेनेवर अट्स वैल्यू इज एप्रिसिएटेड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज क्रेडिटेड जब कभी भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी उसका मतलब होता है प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा और अगर लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा लॉस कब होगा जब आपकी असेट्स की वैल्यू कम होगी और असेट्स की वैल्यू कम होना मतलब हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स तो डेप्रीसी अगर होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा अगर होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका डेबिट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द जर्नल एंट्री फॉर सरेंडर ऑफ शेयर दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो जब शेयर सरेंडर होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट देखो ऐसे केस में होता है कि इसमें से क्या होगी जनरल एंट्रीज लेकिन आपको इसका बेसिक अगर क्लियर है तो ही आप इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं तो जनरल एंट्री फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट याद रखना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से पहले आपको जो चैप्टर का बेसिक्स है वो पता होना चाहिए और चैप्टर के जो भी जर्नल एंट्रीज है वो आपको पढ़ के रखने ताकि आप अटेम्प्ट करते वक्त कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं एज पर सेक्शन सिक्सटी सिक्स ऑफ दू थाउजेंड थर्टीन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टेम्पररी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन परमानेंट रिजोल्यूशन अभी अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं देखो टेम्पररी रिजोल्यूशन और परमानेंट रिजोल्यूशन ऐसे टाइप के कोई रिजोल्यूशन होते नहीं है रिजोल्यूशन दो टाइप के होते हैं एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है आपका स्पेशल रिजोल्यूशन तो अगर हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा दैट विल बी स्पेशल रिजोल्यूशन और अगर हम अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही पास होता है तो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट ध्यान से इफ द वैल्यू ऑफ द डेटर्स इज वन लैख एंड इट इज रेड्यूस बाय रूपीज सेवेंटी थाउजेंड दे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज डेबिटेड बाय अगर आपका डेटर्स का वैल्यू एक लाख है और एक लाख की वैल्यू सत्तर हजार से कम होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा लेकिन वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा अभी एक लाख से डेबिट होगा सत्तर हजार से डेबिट होगा एक लाख सत्तर हजार से डेबिट होगा या तीस हजार से डेबिट होगा सिंपल देखो आपको क्या वर्ड देखना है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वर्ड देखना है बाय दिया है या टू दिया है तो ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आपको ये एक, एक बार का क्लियर हो जाए और कभी इसमें आपकी मिस्टेक ना हो इफ द वैल्यू ऑफ द डेटर्स इज वन लैक एंड इट इज रेड्यूस बाय रुपीज सेवेंटी थाउजेंड तो अगर आपका डेटर्स एक लाख है और जो सेवेंटी थाउजेंड से कम हो रहा है बाय रुपीज सेवेंटी थाउजेंड तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो होगा वो सेवेंटी थाउजेंड से ही डेबिट होगा माइनस नहीं करना है बाय दिया रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू आएगा टू दिया रहेगा तो आपको डिफरेंस लेना है मैंने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की एक सीरीज पूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी इसमें डालिए प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्ले लिस्ट है वहां पर पूरा का पूरा आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज ट्रीटेड एस फिक्स असेट्स इनडायरेक्ट इनकम इन्वेस्टमेंट्स या फिक्टिशियस असेट्स तो पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस मिसलिनियस एक्सपेंसेस ऐसे सभी जो एक्सपेंसेस होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस उसे हम क्या कहते हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज फिक्टीशियस असेट फिक्टीशियस असेट्स का एक दूसरा नाम मिसेलेनियस एक्सपेंसेस तो फिक्टीशियस असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जो काल्पनिक है एक्चुअली वो असेट्स नहीं है फिर भी साइड में रिकॉर्ड किए थे लेकिन बैलेंस शीट के असेट साइड में वही अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है वो रिटर्न ऑफ करने के बाद जो बचती है अमाउंट वो हम वहां पे रिकॉर्ड करते हैं मतलब नॉट रिटर्न ऑफ ऑल अमाउंट फिक्टिशियस टीशियस जो आपको ध्यान रखना है और आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इफ द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज मटीरियलाइज देन द जर्नल एंट्री विल बी अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मटीरियलाइज होगी मटेरियलाइज का मतलब होता है पेमेंट होगी तो क्या होगा एंट्री तो सिंपल एंट्री है याद रखना हमेशा के लिए जब कभी भी हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं जैसे प्रेफरेंस डिविडेंट पेड एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंट पेड या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मटीरियलाइज तो उसके लिए एंट्री होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो क्या होता है सही एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो अब अभी आपको कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेड तो उसका भी एंट्री क्या होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज इट इज़ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तो आपको ध्यान रखना है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जब भी मटेरियलाइज होती है तो उसका एंट्री होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट्स एट फ्राम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे ताकि एग्जाम तक आपके सारे एम सी क्यूज कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ क्लियर हो सके अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे जैसे मैंने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्स की सीरीज शुरू की है इसमें से एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद कॉस्टिंग की सीरीज शुरू करेंगे फिर मार्केटिंग एच मार्केटिंग इकोनॉमिक्स ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलते जाएंगे थैंक यू बाई ऑल ऑफ यू टेक केयर टिल देन As always, work harder, be smarter.